एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है बलात्कार प्रदेश। आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाथरस बलात्कार कांड को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि राजधानी लखनऊ में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी। और ताजा मामला भी सामने निकल कर आया है कि लखनऊ के महानगर थाना इलाके का, जहां पर नेपाल से रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आई थी, जहां पर हवस के दरिंदों ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी एंटी रोमियो स्क्वाड तो कभी मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाती है, इसके बावजूद प्रदेश में खुलेआम हवस के दरिंदे ऐसी वारदातों को अंजाम देते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि वादनी के मुताबिक पुलिस को मिली सूचना के आधार पर आरोपी उत्प्रेता कुमार उर्फ छोटू लोगों को घरेलू काम करवाने के बहाने ले जाता था और उसके साथ 13 महीनों तक लगातार बलात्कार करता रहा और कई लोगों से पैसा लेकर उसके साथ सोने पर मजबूर करता था और उसको एक कमरे में लगभग 15 दिनों तक बंद करके उसके साथ बलात्कार करता और उसे बाहर भी नहीं जाने देता था। नाबालिग लड़की कमरे में भूखी प्यासी बंद रहती थी। एक दिन मौका मिलते ही किसी तरह से वह कमरे से बाहर निकल गई और इस बात की जानकारी अपनी माँ को दी। पेट में दर्द होने पर जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसके पेट में 5 महीने का गर्भ है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर, क्या क्या कुछ मामला था गैंगरेप जो हुआ, जिसमें नेपाल की कोई लड़की बताई जा रही, क्या मामला था? थाना महानगर क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसके परिजनों का कहना था कि बच्ची के साथ महानगर के रहने वाले कुछ लोगों ने बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है। बच्ची नाबालिग है, 5 महीने की गर्भवती। तहरीर प्राप्त होती है, हम लोगों ने मामला दर्ज किया और लगभग 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। लड़की की निशानदेही और उसके कथन के अनुसार और भी लोग शामिल उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम लोग चिन्हित कर पाते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कैसे संपर्क में ये लड़की आई, नेपाल से यहाँ पर आके कहाँ रह रही थी, किस किसके घर पे रह रही थी? ये रहने वाली मूलतः नेपाल की है, इससे पहले ये गुमती नगर विस्तार में भी रह रही थी और ये निषाद गाँव में यहाँ छोटू नाम का पिंक है उसके संपर्क में आई और घर में काम करने की ये वो लाया था इसको। बाद में उसने भी इसका शरीर शोषण किया और अपने दोस्तों के साथ पैसे लेकर के इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मुद्दा नेपाल की है, बहुत जगहों को नहीं जानती है यहाँ पे बाई नेम और बहुत लोगों को भी बाई नेम नहीं जानती, लेकिन इसने हर जगह को चिन्हित किया और उन सभी आदमियों को पहचान करने का प्रयास किया जिन्होंने इसके साथ गिरफ्तार किया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। किसी स्कूल के चौकीदार का भी नाम इसमें आ रहा है, कौन सा स्कूल है वो? हाँ, एक प्राइवेट स्कूल में एक चौकीदारी का काम करता है जो छोटू है। फिलहाल 4 लोगों को यहाँ पर, इनका कोई पूर्व में ऐसा इतिहास आपराधिक रहा है? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास हमको मिल नहीं पाया है, लेकिन जैसे अगर मिलता है हम आपको।